डिजिटल मार्केटिंग को चूज कर रहे हैं एज ए बिजनेस प्रमोशन और लोग करियर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं इसे। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मनमोहन सिंगला, फाउंडर जुगाड़िन.com, और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज ड्वेल टाइम। मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको ने बताया था कि ड्वेल टाइम होता क्या है, कि यूजर कितनी देर तक हमारी वेबसाइट पर स्टे कर रहा है, मीन्स कितनी देर तक अपनी वेबसाइट पर एंगेज है, वो होता है टाइम स्पेंडिंग ऑन वेबसाइट बाय यूजर। तो अब इसको इंक्रीज कैसे करें, क्योंकि इंक्रीज करना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंक्रीज होगा तो वो किसी और वेबसाइट पर नहीं जाएगा, और सबसे बड़ी बात और प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट लेगा, इन्फॉर्मेशन में लेगा। तो इंक्रीज करने के लिए मैं आपको ऐसे 8 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपना ड्वेल टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, वो आती है रिच कंटेंट। आपका जो कंटेंट है बहुत ही रिच होना चाहिए। अब कंटेंट किस किस फॉर्म में, पहले उसको देखते हैं। कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में हो गया, वीडियो फॉर्म में हो गया, इमेज फॉर्म में हो गया। तो आप जो वीडियो, इमेज या कंटेंट जो भी बना रहे हैं बहुत अच्छा होना चाहिए, और वीडियो तो आपको जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्टिमोनियल वीडियोस किसी की बना रहे हैं तो कस्टमर के लिए वो भी एक कस्टमर को देखता है कि भाई क्या कस्टमर ने फीडबैक दिया है इस वेबसाइट के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, इस सर्विस के लिए। तो वो क्या होगा, एंगेज होगा, वहां पर उसकी वीडियो सुनेगा तो उसका टाइम इंक्रीज होगा। सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है ब्लॉग कमेंट्स। आप कमेंट का ऑप्शन जरूर रखें अपने ब्लॉग पे, ताकि लोग जो है अपना कमेंट कर सके, उसके व्यूज दे सके, कि ताकि क्या उस कमेंट ब्लॉग के बारे में वो लिखना चाहते हैं। उसमें भी आप देखिए, जब वो कमेंट कर रहा होगा तो आपका टाइम इंक्रीज होगा, एंगेजमेंट होगी यूजर की, तो क्या होगा, ड्वेल टाइम इंक्रीज होगा। थर्ड जो फैक्टर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन या मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जो आपका ब्लॉग है, जो वेबसाइट है, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मींस अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो यूजर है वो मोबाइल से ही आपकी वेबसाइट खोलेगा या यूज कर रहा है सर्फिंग के लिए। तो उस केस में क्या हो रहा है, जब वो यूजर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, मींस मोबाइल के थ्रू अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा है या सर्फ कर रहा है, तो वहां पर अगर कंटेंट ओवरले हो रहा है, या यू कैन से कि अगर उसको इमेज जो है वो इधर उधर मिल रही है, इमेज के ऊपर कंटेंट आ रहा है, तो बहुत ही गलत होगा वो, उसके लिए मतलब टीडियस सा हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ फैक्टर पे, जो है लोडिंग टाइम। आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट लेट खुल रही है तो वहां पर यूजर आपको छोड़कर चला जाएगा, तो यूजर आया ही नहीं वेबसाइट पर। तो लोडिंग टाइम आपका कम होना चाहिए। इसके लिए आप अपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दें, जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, जो मैंने पास्ट वीडियोज में आपको समझाई है। अब आता है फिफ्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर इज ग्रेट कंटेंट। ग्रेट कंटेंट मीन जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है यूजर को, जिस यूजर इन्फॉर्मेशन के लिए आया है, वो उसे दे दें जल्दी से जल्दी। ये ना हो कि आप उसको स्टार्टिंग में ही कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं या कुछ है, उसको स्टार्टिंग में ही इतना यूजफुल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स वगैरह बताएं, ताकि उसका उस वेबसाइट के लिए इंटरेस्ट बने। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देनी, वो लास्ट में दें, ताकि उसका यूजर का जब तक वो एंगेज हो चुका है और इंटरेस्ट बन चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पेज डिजाइन। आपकी वेबसाइट डिजाइन कैसी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट बात की है, कि ऐसा ना हो कि खाली कंटेंट ही कंटेंट हो, या कंटेंट का जो साइज है बहुत ही छोटा हो, नॉर्मल हो, तो कंटेंट का साइज भी अच्छा हो। इमेज की जो बात की जाए, वो इमेज आपने लगाई हो और कंटेंट के बाद, ताकि लोग थोड़ा सा अच्छा फील करें, बोर ना फील करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट के ऊपर भी ध्यान दें, और पेज जो डिजाइन है उसके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें। जो 8th पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टर के ड्वेल टाइम के लिए नहीं, इवन आपकी रैंकिंग के लिए, क्योंकि ड्वेल टाइम से इंक्रीज तो हो रहा है, बट इसके अंदर दो टाइम हो रहा है। दो टाइम कैसे, अगर आपका कोई भी ब्लॉग आप कोई यूजर पढ़ रहा है, और वहां पर अगर आप ये 8th पॉइंट मेंशन करते हैं, द 8th टिप इज कि आप वहां पर शेयरिंग आइकन्स डालें, मीन्स फेसबुक, ट्विटर, या जो भी शेयर सोशल मीडिया पर आप कर सकते हैं वो आपकी वेबसाइट पर दें, ताकि यूजर वहीं से डायरेक्ट शेयर कर सके फेसबुक पर अपने, या किसी और को व्हाट्सएप पर। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक तो शेयरबिलिटी बढ़ेगी, मींस जब यूजर आपका ब्लॉग शेयर करेगा तो आपके पास और ट्रैफिक आएगा जो उसके नेटवर्क पे है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, रैंकिंग बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा। साथ ही जब वो शेयर कर रहा होगा तो शेयर करेगा तो उसमें भी वो वेबसाइट पर टाइम लेगा, तो वहां पर उसकी एंगेजमेंट फिर से बढ़ेगी। तो ये 8 जो टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई है, इससे आप अपना ड्वेल टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें रिलेटेड है ऑन पेज और ऑफ पेज से। अल्टीमेटली आप एक अच्छा एसईओ कर पाएंगे, और अच्छा एसईओ मींस अच्छी रैंकिंग, और अच्छी रैंकिंग मींस आपके पास ट्रैफिक अच्छा आ रहा है किस पर, आपके पेज पर, एंड यू आर गेटिंग लीड्स, तो योर बिजनेस विल बी इंक्रीज। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।